और एक शानदार मैच इस ग्राउंड पे, इस टूर्नामेंट का ये फाइनल मैच या आखिरी मैच, और मैच शुरू हो चुका है। मैं दर्शकों से अनुरोध कर रहा हूँ, आप लोग मैच का आनंद लें। एक खूबसूरत मैच इस ग्राउंड पे, फुलपा वर्सेस सिवान के लिए दोनों टीमों के पास खेल है, खिलाड़ी है, एक खूबसूरत मैच हो रहा है। मैं आपको ने कहा छोटे भाई सजाउद्दीन को माइक पर बुला, शुक्रिया। हेलो भाई, और जो हमारे स्टेज के अंदर गांव के लोग हैं, आपको मतलब बुलाई थे कि आपको स्टेज पर लाइक कर दें। मैच का आपको देखा हाल पहले सुनाए, देखते हैं विकल्प है दो क्या मैच के बाद कौन है। कुछ खतरा यहाँ पर हो सकता है सिवान के लिए कि प्रिया ढिवलिया अपने साथ खिलाड़ियों को भूल रहे हैं, अपने साथ खिलाड़ी पंद्रह नंबर की गर्मी में एक बार फिर सेंटी गेम को आगे बढ़ाया और इनाम की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। बेहतरीन अंदाज जिनके लिए दोनों टीमें दस नंबर की गति के लिए उनके पास बहुत मिली होगी, अपने साथ निकला इतने नए तेरह नंबर तक पहुंचाने की कोशिश, जो सब फिलहाल के नगर शर्मा के पास सैनपुर के पास बहुत अपने साथ निकला ग्यारह नंबर तक पहुंचाने की कोशिश। कई लोग हम बता दीजिए मोबाइल बनाने का मकसद जो था वो कामयाब नजर होता हुआ नहीं आया, लेकिन फिलहाल सोलह नंबर की गति में कोलकाता के प्लेयर विटुपन ने गेम को धीरे आगे बढ़ाया था। मैं अपने तमाम वॉलंटियर और ऑर्गेनाइजर से गुजारिश करूँ कि आप लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाए, स्टेज को खाली छोड़ दें, ताकि हमारे क्लास के हमारे मित्र अतिथि हैं जो मेहमान खुसूसी हैं, जनाब भूपेंद्र तिवारी जी कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश, फिर पंचायत राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश, उनको एक तरह से इस मैच का लुत्फ उठाने दें। मैं आपने मुख्य अतिथि का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर दादा नजर खान की करने के लिए तैयार आठ नंबर की जर्सी में संस्था के प्लेयर देखते ही नजारा यहाँ पर दिखता हुआ। मैं अपने दूर दराज से आए हुए दर्शकों को बता दूं कि ग्रीन और व्हाइट कलर की जो जर्सी है वो संस्था की है और जो ऑरेंज कलर की जर्सी है वो सिवान की है। तो दोनों ही टीमें काफी बेहतर खेल का प्रदर्शन करके इस फाइनल तक पहुंचने का इजाज हासिल किया है और इस मुकाबले में ये खिताबी खेल में कौन सी टीम जीत कर इस खिताब को अपने नाम करेगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल किक करने के लिए तैयार सुरक्षा के खिलाड़ी दस नंबर की जर्सी में, मैक्स की जो टीम के कैप्टन है बेहतरीन शॉट लगाया यहां पर, लेकिन मौजूद वहां तेरह नंबर की जर्सी में जोसफ ने गेंद को हिट के जरिए आगे बढ़ाया। फिलहाल गेंद एक बार फिर पंद्रह नंबर की जर्सी में सुरक्षा के खिलाड़ी विश्वजीत गेंद को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। फिलहाल दोनों टीम के खिलाड़ी आपस में जूझते हुए ग्यारह नंबर की जर्सी में अहमद के पास बॉल थी, अपने साथी खिलाड़ी सोलह नंबर तक पहुंचाने की कोशिश थी विटुपन तक, लेकिन विटुपन ने अपने साथी खिलाड़ी सरन नंबर तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल गेंद साइड लाइन के बाहर। एक बार फिर मैक्स के पास बॉल जज करने की कोशिश, दस नंबर की जर्सी में खेल रहे फॉरेनर खिलाड़ी लियोन, जिन्होंने एक बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया था। और मैं दोनों ही टीम के खिलाड़ियों से ये रिक्वेस्ट कर दूं पहले कि आप लोग रेफरी से कोई बहस नहीं करेंगे, रेफरी का जो जजमेंट है वो फाइनल जजमेंट होता है। एक बार फिर मैच तैयार करने के लिए बेहतरीन शॉट लगा यहां पर बनाने की कोशिश, तैयार बेहतरीन तरीके से कनेक्ट किया गेंद को, गेंद की आपने खुद में छुपाया, एक लंबा शॉट लगाया यहां पर सेंटर की जाने बल्लेबाज आते हुए गेंद के पीछे भाग रहे पैट्रिक गेंद के तरफ बहुत ही तेजी से, लेकिन बेहतरीन कवरी वहां पर पंद्रह नंबर की जर्सी में खेल रहे किशोरजीत और गोलकीपर ने गेंद को एक अच्छे अंदाज में कलेक्ट किया और खतरे को टाला। फिलहाल अठारह नंबर की जर्सी में सैनिक अपनी टीम के लिए स्वयं की हड्डी माने जाते हैं, काफी बेहतरीन तरीके से अपने खिलाड़ियों का सबसे में गेंद थी, लेकिन वहां किसी
बार के खिलाड़ी ने अपने पर्चे में लिया, लेकिन फिर एक बार पर्चा खिलाड़ी के पास देखिए। अब दोनों प्लेयर वहां से खोलने के लिए और काफी मसरूफ रहने वाले और नौजवान लीडर और कम वक्त में अपने किस ऊंचाई तक पहुँचा कर लोगों को काम कर दिया है, इससे पूरा उत्तर प्रदेश पर हिंदुस्तान पहले आपका मैच चल रहा है और खिलाड़ी लेते हैं गोल पोस्ट की तरफ हमला है का की तरफ दो खिलाड़ियों ने कुछ के साथ बात बनाए वहां कामयाब रहे। अब अपने पक्ष में बाद आगे बढ़ रहे हैं और दोनों टीमें बहुत ही शानदार खेल का मुताया करें, दोनों टीमों ने अपने मुकाबले में अच्छे खेल का मुजाहरा करके यहाँ फाइनल में नए नए किया है। आज असल मामला है कि कल खेलेगा कुछ अंतर होगा इस टूर्नामेंट का, तो वो वक्त बनाएगा तो बहुत रहेगा, लेकिन दोनों पर और खेल को मैदान के दरमियानी हिस्से में पहुँचाते हैं वहाँ लंबा लग गया तकदीर का ऊपर अगर हम हो जाए तो हम साथ दे देंगे। और नहीं क्या एक के लिए दर्शन लिया दू गो हम जान दिए कि दू गो हो जाइए ना तो नंबर बोलो 98 18 35 25 पाकिस्तान वाला
से झगड़ा करे वे झगड़ा ना भाई एकदम नाइजीरिया वाला हूँ तो बनवा दो हाँ अभी कहा बोला जब घुस दी तब गोल मान आई बस प्रयाग प्रयाग सुनो आवाज़ भी अब गेट को करेक्ट किया अपने साथी खिलाड़ी बैक तक पहुंचा।
वरना अगर एक और सकती है तो यकीन जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो इसमें लिखेगा उसका असर इन लोगों पर पहला रेलवे ना कॉफी रखा है बहुत मुस्तफी है वो टीमें जो आज फाइनल खेल रही है इस खिताब को जीतने के लिए एक बेहतरीन माहौल एक बेहतरीन नजारा दर्शकों की जनसंख्या में काफी इजाफा हुआ है काफी जनसंख्या में हमारे यहाँ दर्शक मौजूद हमारे दूर दराज से आए हुए मेहमान उनका भी मैं अपने ग्रामवासियों की तरफ से धन्यवाद हमारे बड़े भाई जनाब गुरजीत जी वजह से बचाया कर रहे थे घुमा रहा था और कोई भी नहीं था कहाँ पर बुलाओ जाए के बुलावा सुनता तीन नंबर ला 14 नंबर तो बन नहीं फुटबॉल को बहुत बारीक से जानते हैं बहुत करीब से जानते हैं क्योंकि ये पूरा अगर ये कहा जाए फुटबॉल का हब माना जाता है हमारा क्षेत्र हर बच्चा बच्चा फुटबॉल का खिलाड़ी होता है इसलिए फुटबॉल को बहुत करीब से जानता है उसकी अहमियत को समझता है फाइनल मैच हो रहा है अहम मुकाबला है और इसका फायदा भी उठाया है सिवान ने मजबूर भी थी सिवान के खूबसूरत होता हुआ 10 नंबर के चल नहीं है सोलफा लगे रहे पानी बीच में कहा बड़ा मारे को बैठ जी बस खतरनाक बोले नहीं दोनों में क्यों लग जाए 63-86-034 आरसीसी को लौटा बिजली वाला सचिन
कौन सी गलती करने के लिए और कहाँ ना मेरा बहुत अच्छी चिल्ला रहा था जान जाते इस बार सोनपत खिलाड़ियों के पास और निकाला भी है, लेकिन क्या इसका फायदा उठा पाएंगे? डिफेंडर देखें आप कि किस तरह से चार सिर्फ वही नजर आ रहे हैं और वहां उनके विपक्षी टीम का कोई भी खिलाड़ी नजर नहीं आता। और ये भी एक नजारा होता है कि जब गेंद पहुंचती है तो आपको वहां जाने की पूरी इजाजत होती है, लेकिन गेंद के बगैर आप दूसरे टीम के गोल पोस्ट की तरफ जाते हैं तो आप साइड करार दिया जाता है, फिर वापस बस इस बार हवा में गेंद उछाल के और सिवान के एक खिलाड़ी के कदमों में गेंद है, उन्होंने निकाला जरूर है लेकिन वहां डिफेंडर मौजूद है सोनपा के और जूझ रहे हैं एक दूसरे से। इस बार फिर से कब्जे में अब खूबसूरत पास, तो जैसे ही मैंने कहा अतर भाई के हावी है खेल पर सिवान, तो उसके बाद से आप देखें पिछले चार तीन चार मिनट में जब से मैं बोल रहा हूँ उस वक्त से सोनपा के खिलाड़ियों की खेल में जरूर तब्दीली नजर आ रही है और पिछले जो अभी उन्होंने वक्त में खेल दिखाया है उससे बेहतर अभी नजर आ रहे हैं और अच्छा पास कर खेल रहे हैं। अतर भाई बिल्कुल मास्टर कामुद्दीन साहब सही कह रहे हैं, लेकिन मैं सजाउद्दीन साहब से भी पूछना चाहूंगा, एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं सजाउद्दीन साहब और अभी भी हमको लगता है खेल भी रहे हैं। मास्टर कामुद्दीन साहब ने कहा कि जब बराबरी पे गेम होता है तो ज्यादा उसमें अटेक्शन होता है, ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन मेरा मानना है कि जब एक गोल हो जाता है तो जो अगेंस्ट टीम होती है जिनके ऊपर गोल होता है उनकी कोशिश बढ़ जाती है कि मैं पिछड़ रहा हूं, अब कवर करने के लिए वो तेजी बढ़ाते हैं, अपने गेम को और तेज करते हैं और वही चीज देखने को मिल रहा है। सोनपा बिल्कुल पिछड़ रही है, सोनपा के अंदर कुछ कमियां दिख रही है, जो तालमेल की कमी है, जो सोनपा जिस चीज के लिए जानी जाती है उसमें आज वो सेट नहीं हो पा रही है और सिवान पूरी तरीके से सेट होकर के खेल रही है, इसी का फायदा उसको मिला है जो एक गोल सिवान ने अभी तक करके और दबाव बनाया है। सजाउद्दीन जी यकीनन आपने जो बात कही वो सही है, क्योंकि जो एक टीम पिछड़ रही होती है वो इसी कोशिश में रहती है किसी भी तरह से गोल करके बराबरी पे आ जाए, तो उसको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है और उसको अपने जो स्ट्रेटजी के तहत खेलना पड़ता है, तो उसको थोड़ी सी प्लानिंग चेंज करनी पड़ती है, डेवलपमेंट गेम उसको चेंज करना होगा और उस तरीके से खेलना होगा किसी भी तरीके से गोल किया जाए और अपनी टीम को पहले बराबरी पे ला के खड़ा किया जाए। जब टीम बराबरी पे आती है तो फिर जो उसकी प्लानिंग होगी, जो उसका टेक्निक होगा, जो टैक्टिक्स होगा, वो उसको चेंज करेगा और फिर एक गोल और तब्दील करने की कोशिश करेगा। फिलहाल एक बार बेहतरीन तरीके से 17 नंबर की जर्सी में संदेह ने गेंद को अपने राइट फॉरवर्ड की तरफ निकाला था, लेकिन जब तक गेंद को वो पकड़ते गेंद साइड लाइन के बाहर जा चुकी थी क्योंकि गेंद की रफ्तार कहीं तेज थी। एक बार फिर गोल कीपिंग करने के लिए तैयार है यहाँ पर सोनपा के गोलकीपर, काफी खूबसूरत अंदाज में सेंटी है 18 नंबर की जर्सी में, 16 नंबर की जर्सी में विटोपन,
आठ नंबर की जर्सी में। एक बार फिर हेड के लिए गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश, लेकिन फिलहाल सुनपा के प्लेयर जब तक गेंद को ऊपर से रिसीव करने की कोशिश करते हैं, गोल कीपर ने गेंद किया। एक बार फिर नौ नंबर की जर्सी में सैनत होई के पास बॉल, अपने साथी खिलाड़ी सोलह नंबर की जर्सी में बिट्टू पंत तक पहुंचाया, बिट्टू पंत ड्रिबल किया, एक खिलाड़ी पहुंचे वहां पर। एक बार फिर बारह नंबर की जर्सी में अपने साथी खिलाड़ी, बेहतरीन कॉम्बिनेशन यहां पर देखने को मिला, लेकिन थोड़ी सी रिसीविंग में कमी नजर आई। एक बार फिर कब्जे में मैक्स के पास बॉल, खतरा बनाने लगा अपने राइट फॉरवर्ड की तरफ, खतरा है कुछ भी, लेकिन जब तक गेंद को रिसीव करते चौदह नंबर की जर्सी में कैप्टन दाबिर ने गेंद को आगे बढ़ाया और अपने साथी खिलाड़ी लियोन तक पहुंचाया। लियोन एक बेहतरीन मिडफील्डर की भूमिका में है और साथ में जो सेंटर फॉरवर्ड की भूमिका में है पैट्रिक्स, उन्होंने पहले गोल करके अपनी टीम को बढ़त भी दिलाई। फिलहाल लियोन के पास बॉल, ड्रिबल किया, गैप ढूंढ रहे दूर से निकालने की कोशिश, लेकिन एक बार फिर जोसेफ नीचे मौजूद है मेन बैक की भूमिका में। फिर सोलह नंबर की जर्सी में बिट्टू पंत अपने साथी खिलाड़ी तक पहुंचाने की कोशिश, अहमद ने जोसेफ तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जब तक जोसेफ गेंद को आकर आगे बढ़कर गेंद को लेने की कोशिश करते तब तक सिवान का ये प्लेयर गेंद को रिसीव कर चुका था। एक बार फिर बेहतरीन तरीके से कवर किया, गेंद को निकालने की कोशिश की, लेकिन गेंद साइड लाइन के बाहर। तो इस बार थ्रो मिला है सोनपा को, एक एक मूव बनाने की कोशिश है, फाइनल से वंचित हो जाए, फाइनलिस्ट बनना है तो आपको एक बेहतरीन गेंद देना है। मैं अपने दोनों ही प्लेयरों से गुजारिश करूंगा, दोनों टीमों के प्लेयरों से, कि आप लोग थोड़ा सा एक अच्छा खुशनुमा सा माहौल बनाए आपसी में हंसी मजाक करते हुए। दोनों टीम के खिलाड़ी दो ही पर हैं, पैट्रिक्स के पास बॉल निकली जरूर है यहां पर, लेकिन वहां सेंटी मौजूद है उनको संभालने के लिए। फिलहाल थोड़ा सा मौका मिला था पैट्रिक्स को, गेंद को निकाला यहां पर तेरह नंबर की जर्सी में खिलाड़ी है सुनपा का, और यहां पे थोड़ी सी बॉल टेकल करने की कोशिश की, लेकिन यहां पर रेफरी ने उनकी गलतियों को पकड़ा और फाउल करार दिया है। माफ कीजिएगा, थ्रो मिला है, फाउल नहीं है, थ्रो मिला, थ्रो सुनपा को ही मिला है। एक बार फिर बिटमन तक बॉल, बारह नंबर की जर्सी में आगे बढ़ाने की कोशिश, लेकिन वहां पैट्रिक्स मौजूद है, गेंद के पीछे भाग रहे हैं, गेंद को लेकर आगे बढ़ने को दूर है कोशिश, एडवांस जरूर थे गोलकीपर, एक बार नजर उठाई गोल पोस्ट की तरफ देखा, कीपर पैट्रिक्स के ही पैरों से होता। फिलहाल लियोन के पास बॉल है, काफी सिवान दबाव बनाकर खेल रही है सुनपा पर, एक बेहतरीन मुकाबला खेलने की कोशिश में है, और एक सजी हुई टीम, एक कंबाइंड टीम कहेंगे हम सिवान को, क्योंकि जो पिछले मैचों से जो इनका परफॉर्मेंस रहा वो काफी बेहतरीन है, हर टीमों में उन्होंने दो तीन चार ऐसे करके अंतरों से हराया है। फिलहाल एक बार फिर गेंद साइड लाइन के बाहर, तेरह नंबर की जर्सी में जो सबके पैरों से गेंद साइड लाइन बाहर, सोनपा गेंद को मिला, लंबा थ्रो किया, रिकी ने हेड के जरिए गेंद को निकाला, लेकिन वहां सरत हुए मौजूद थे अपने साथी खिलाड़ी को बैक पास कर, लेकिन इनका जो पास था जो उन्होंने गेंद को निकाला था वो थोड़ा सा गलत था। एक बार फिर ग्यारह नंबर की जर्सी में अहमद के पास बॉल, अहमद ने अपने साथी खिलाड़ी बारह तक पहुंचाई, बारह में नौ नंबर तक पहुंचाया, नौ के पास सोलह, सोलह तक बॉल, एक बेहतरीन बॉल निकाला है, नौ नंबर की जर्सी में गेंद को निकाल कर रोने की कोशिश, गेंद को जब तक पकड़ने की कोशिश करते गेंद की रफ्तार नहीं थे और गेंद साइड लाइन के बाहर। एक बार फिर गोल की करने के लिए तैयार सिवान का गोलकीपर शुभो जी, इनके नाम से ये पता चल रहा है कि ये पश्चिम बंगाल की सरजमीन से यहाँ पर तशरीफ लेके आए हैं, तो दादा नसरत खान की सरजमीन महम पर ये खेला जाने वाला फाइनल मैच सिवान वर्सेज सोनपा के बीच खेला जा रहा है, जिसमें सिवान ने पहले ही हाफ में एक गोल करके एक जीरो की बढ़त बना ली है। आगे का हाल जनाब मास्टर कलामुद्दीन साहब। शुक्रिया। तो पिछले चार पांच मिनट में जो खेल हुआ है वो बहुत दिलचस्प रहा है, और किसी तरह के खेल देखने के लिए दर्शक आते हैं और सोचते हैं कि जो गेम हो वो बिल्कुल बराबरी हो, लेकिन अभी जो हम कह रहे थे कि कमजोर नजर आ रही थी सोनपा, अब पूरी तरह से मुकाबले में बराबरी पे आ गए। तब फिलहाल दूर से अच्छी कोशिश, लेकिन नाकाम रही, गोलकीपर वहां तैयार थे और उन्होंने बहुत ही इत्मीनान के साथ गेंद को अपने कब्जे में लिया और उछाल के मैदान के दरमियान हिस्से में पहुंचा दिया है वहां हेड के जरिए, लेकिन फिर से एक बार सिवान के खिलाड़ियों के पास आपस में और वहां डिफेंडर मौजूद हैं और वो अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन अच्छा पास
फिर से एक बार कलेक्ट कर लिया सीमांत खिलाड़ियों ने। गेंद अभी भी मैदान के दरमियानी हिस्से में है और हवा में फिर एक बार खेला गया शॉट, लेकिन वहां पे दोनों टीम के खिलाड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। कौन इस बार खतरा जरूर है टी एरिया के आसपास सोटपा के, लेकिन वो अब जाके फिर से एक बार दूर बना रहे हैं और बड़े दूर के आसपास लेके गेंद पहुंचे हैं। बाएं फुट से किक करना है और ये चेंज करना चाहते थे, लेकिन गेंद मैदान से बाहर थ्रो जरूर मिलेगा। अपने साथी खिलाड़ी की तरफ बढ़े और मिड फील्ड में गेंद को पहुंचाए जरूर था, लेकिन वहां से फिर वापस कर दिया सिवान के खिलाड़ियों ने और हेड के जरिए दोनों टीम के खिलाड़ी एक दूसरे के गोल पोस्ट की तरफ लेके बढ़ने की कोशिश है। फिलहाल फिर से एक बार सोनपा के कब्जे में गेंद है, वो आगे बढ़ रहे हैं। खूबसूरत पास, उतना ही जबरदस्त पास, अच्छा मूव, लेकिन इस मूव का कितना फायदा उठा पाएंगे ये तो आने वाले वक्त बताएगा। फिलहाल डिफेंडरों ने उनको वापस कर दिया। अब सीमांत के खिलाड़ियों का काउंटर अटैक होगा। फिलहाल मैदान से बाहर गेंद थ्रो मिलेगा सोनपा को और इस तरह से पहले हाफ का खेल खत्म हुआ। एक सिफर की बढ़त बनानी है सिवान ने पहले हाफ।